सबों को जय यीशु। जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। इसमें हम आगमन काल के दूसरे रविवार के पाठों पर मनन चिंतन करेंगे। प्रिय भाइयों एवं बहनों, पहले पाठ में नबी बारुक शोक और संताप में पड़े हुए यरूशलेम को उठकर पर्वत पर खड़े होकर अपने बिखरे संतानों को ईश्वर की अगुवाई में वापस लौटते हुए देखने के लिए कहते हैं। इसराइली लोग गुलामी में थे, वे प्रवास में पड़े हुए थे, लेकिन ईश्वर उन्हें उनके देश वापस ले आता है। नबी बारुक कहते हैं, ईश्वर का आदेश है कि हर एक ऊंचा पहाड़ और सब चिरस्थाई पहाड़ियां समतल की जाएं और हर एक घाटी पाट कर भर दी जाए, जिससे इसराइली महिमामय प्रभु की रक्षा में सुरक्षित आगे बढ़ सके। यह हमें भी याद दिलाता है कि हम भी अपने कुकर्मों और गुनाहों की वजह से ईश्वर के सानिध्य से दूर हो जाते हैं, हम भी प्रवासी बन जाते हैं। अतः हमें भी लौटने की जरूरत है, ईश्वर के प्रेम में पुनर्स्थापना की आवश्यकता है, ईश्वर के वचनों द्वारा बदलने की जरूरत है। दूसरे पाठ में फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस प्रार्थना करते हैं कि वे प्रेम और आनंद से परिपूरित रहें और यीशु मसीह के आगमन की बाट जोहते रहें। संत पौलुस प्रार्थना करते हैं कि उनका प्रेम ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए, जिससे जो श्रेय है वे उसे पहचाने और प्यार करें। इस तरह मसीह के आगमन के दिन पवित्र और निर्दोष पाए जाएं। इस पाठ के द्वारा संत पौलुस हम सबको भी प्रभु के उद्धार कार्य के बारे में याद दिला रहे हैं कि आगमन काल हमारे विश्वास को ताजगी से भर दे और हम में दृढ़ता आ जाए, ताकि जैसे संत पौलुस कहते हैं, जिसने हम लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया है वह उसे यीशु मसीह के आगमन के दिन तक, जब वे महिमा में आएंगे, पूर्णता तक पहुंचा दे। सुसमाचार में संत योहन बपतिस्ता प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसके पथ सीधे करने के लिए आह्वान करते हैं। संत योहन बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रार्थना एवं तपस्या का जीवन जीते हुए लोगों को भी पश्चाताप का पाठ सिखाते थे। वे पाप क्षमा का उपदेश सुनाते थे। वे पुकार पुकार कर लोगों को अपनी राह बदलने के लिए प्रेरित करते थे। संत योहन बपतिस्ता आज हमारे सामने भी एक चुनौती रखते हैं कि हम अपनी राह बदलें, हम अपना जीवन बदलें और प्रभु के मार्ग पर चलते जाएं। प्रिय मित्रों, आगमन काल एक बदलाव का समय है। जिस प्रकार संत योहन बपतिस्ता प्रभु के पथ को सीधा करने, उनके मार्ग तैयार करने की बात करते हैं, उन बातों को हमें भी गंभीर रूप से लेना है। प्रभु हमारे जीवन में आए, उनका हमारे हृदय में आगमन हो, उसके लिए हमें रास्ते को साफ करना है, उसे बिल्कुल सीधा कर देना है। हमारी सांसारिक इच्छाओं और अभिलाषाओं के चलते प्रभु के राह पर हम कांटे बिछाने लगते हैं। हमारे स्वार्थपूर्ण जीवन के कारण हम प्रभु के पथ को उबड़ खाबड़ बना देते हैं। हमारे ही बुराइयों और कुकर्मों के कारण प्रभु के आने का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आज हम अपने ही ख्वाबों की दुनिया में और अपने ही स्वार्थ के महलों में इस तरह कैद हो जाते हैं कि अपने पड़ोसी और अपने आसपास के लोगों से दूर हो जाते हैं, और इस तरह से हमारे और ईश्वर के बीच में भी दूरियां बढ़ जाती हैं। यह आगमन काल हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, जीवन और लोगों के प्रति अपना नजरिया बदलने के लिए। आइए हम पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु के लिए सदा तत्पर रहें, हमारे जीवन में उसके आगमन के लिए राह तैयार करें, जो हमारी राहों में हमराह बनकर सदा साथ चलने की चाह रखता है। आमीन।